जिसका डर था आखिर वही हुआ। भारत में भी कोरोना के नए और ज्यादा संक्रमित वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को बताया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित दो मरीज कर्नाटक में मिले हैं। इनमें एक विदेशी है जो नवंबर में भारत आया था। इसके साथ ही सरकार ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, बस अपनी जिम्मेदारी निभानी और मास्क पहनना है। कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर लव अग्रवाल, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और आईसीएमआर के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव ने गुरुवार को इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि भारत में मिले दोनों मरीजों में अब तक कोई भी गंभीर लक्षण सामने नहीं आए हैं। दुनिया भर में भी ऐसे मरीजों के हल्के लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। WHO नए वेरिएंट की खासियत और असर पर स्टडी कर रहा है। लव अग्रवाल ने बताया कि एक महीने से देश में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। चिंता की बात यह है कि 15 जिलों में अब भी पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। 18 जिलों में ये रेट 5 से 10% बना हुआ है। केरल और महाराष्ट्र ही दो राज्य हैं जहां 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश के 55% से ज्यादा केस यही हैं। उन्होंने बताया कि 49% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगे, घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। देश में अभी कोरोना के 99,763 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 9,765 नए मामले सामने आए हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।